पलामू लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन की प्रत्याशी ममता भुइयां ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रोड शो किया। रोड शो के दौरान न्यूज 11 भारत से बातचीत में ममता भुइयां ने अपनी जीत का दावा किया। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम पर निशाना साधते हुए कहा कि बीडी राम के पिछले 10 साल के कार्यकाल से जनता नाराज है। प्रचार का एक तरीके से ये आखिरी शोर है, लिहाजा पूरी ताकत झोंकी जा रही है। इंडिया अलायंस की प्रत्याशी आप ममता भुइयां आप यहाँ इस रोड शो में मौजूद, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, तमाम लोग मौजूद हैं और पूरी एकता एक तरीके से इस रोड शो के माध्यम से दिखाने की कोशिश इंडिया अलायंस की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ ममता भुइयां जी है। ममता जी, कैसा चल रहा है प्रचार? अब तो एक दो दिन ही शेष रह गए हैं, कैसा लग रहा है इस बार? इस बार आप देख सकते हैं जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा है। हमारे इंडिया महागठबंधन के तमाम गार्जियन, हमारे भाई बंधु, माताएं बहनें सब बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं, और आप देख सकते हैं जो जन सैलाब है इस बार, परिवर्तन का जन सैलाब है और इस बार परिवर्तन निश्चित है। तो ये जो जन सैलाब है वोटों में तब्दील हो जाएगा, आपको लग रहा है आपके पक्ष में चीजें हैं सब कुछ? जी जरूर, ये सारा जन सैलाब वोटों में तब्दील होगा, इस पर तय है। जो सहयोगी पार्टियां हैं आपके साथ, चूंकि आप महागठबंधन की प्रत्याशी हैं, जेएमएम है, कांग्रेस है, लेफ्ट है, आम आदमी पार्टी है, उनका कितना सपोर्ट मिल पा रहा है ममता भुइयां को इस लड़ाई में? इस बार सभी का फुल सपोर्ट है, बोला जाए तो 100% सब लोग अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं इस सीट के लिए, और सबका फुल समर्थन, आशीर्वाद और सहयोग है। देखिये, जिला अध्यक्ष भी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, माहौल क्या बोल रहा है जिस तरीके से आप रोड शो कर रहे हैं? माहौल तो हमारे पक्ष में बहुत पहले ही आ गया। जब प्रधानमंत्री आए हैं तो उनका चेहरा साफ झलका कि वो पलामू के लिए कुछ नहीं किए हैं, और 10 साल जो बीडी राम जी जो यहाँ के सांसद रह चुके 10 साल, उन्होंने यहाँ का कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, पूरा सहयोग समर्थन मिल रहा है कांग्रेस का? पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ चुनाव लड़ा जा रहा, और भारतीय जनता पार्टी से जो बीडी राम उम्मीदवार हैं उनके विपक्ष में पलामू लोकसभा का हर मतदाता लड़ रहा है, क्योंकि इस बार मतदाता मन बना चुके हैं कि 13 तारीख को ईवीएम में इतना वोट देंगे कि भारी मतों से हमारे जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं ममता भुइयां जी भारी मतों से जीतने जा रही है, और 10 साल से जो विकास रुका है वो विकास का नया गत्ता यहाँ आपको देखने को मिलेगा पलामू लोकसभा संसदीय क्षेत्र में, ये आपको मैं विश्वास दे रहा हूँ। और आप देख सकते हैं जनसैलाब के साथ, क्योंकि लोग तैयार हैं, 13 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, और सभी ने संकल्प लिया है पहले मतदान लालटेन छाप पर और उसके बाद जलपान, ये संकल्प लेके सभी लोग एक दूसरे को बताने का भी काम कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस है, ममता भुइयां भी कॉन्फिडेंट है इस भीड़ को देखकर, कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कॉन्फिडेंट है। अब जनता को तय करना है कि जनता का मूड और मिजाज क्या होगा। कैमरामैन देवाशीष के साथ राकेश कुमार, न्यूज 11 पलामू। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।